Praise the Lord and greetings you to you brothers and sisters in the name of the Lord Jesus Christ. और आप सभी को आज की शाम जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाइयों और बहनों मैं आप सबका स्वागत करता हूं. And we are very sorry that we miss these Bible studies one or two Wednesdays. और हमें क्षमा करिएगा, हम माफी चाहते हैं, एक या दो हफ्ते तक हमने इस बाइबल अध्ययन को बीच में रोका. I have been traveling for ministries and thank you for your prayers. और क्योंकि मैं सेवा की वजह से कई जगहों पर अलग अलग जगह पर यात्रा कर रहा था और इस कारणवश हम इन बाइबल अध्ययनों को आपके सम्मुख नहीं रख पाए, लेकिन धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए. We are now in the 12th chapter of 1 Corinthians. और अब हम पहले कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय पर हैं. This chapter speaks about the Holy Spirit and His gifts and their operations. और ये अध्याय बात करता है पवित्र आत्मा और उसके वरदानों के विषय में और कैसे ये वरदान काम करते हैं. And I think our last lesson concluded with these statements. और मेरा ये मानना है कि हमारा पिछला अध्ययन इस वाक्य के संग समाप्त हुआ था. All that we have ever received of God is due to one thing only. और हर एक वो बात जो हमने परमेश्वर से प्राप्त की है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारणवश है. And that one thing is the baptism of the Holy Spirit. और वो एक बात है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. And the baptism of the Holy Spirit through that baptism the Holy Spirit joined us into the very body of Jesus Christ. और इस बपतिस्मे के द्वारा पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की देह में जोड़ देती है. God recognizes and acknowledges us only if we believe in Jesus and only if we are baptized into his body. और परमेश्वर पिता हमें तभी पहचानता और जानता है जब हम उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए हो और उसकी देह में जोड़ दिए गए हो. God has to see us in Jesus Christ, his son, and in his body, the church. प्रभु पिता परमेश्वर को हमें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में और उसकी देह जो कि कलीसिया है उसमें देखना जरूरी है. And then you see the importance and significance of the church. और उसके बाद आप कलीसिया का महत्व और उसकी जरूरत को देखते और समझते हैं. So let us continue the study of the 12th chapter of 1 Corinthians. और आइए हम अपने अध्ययन को 12वें अध्याय के आगे बढ़ाएंगे. And one point in my last lesson we talk about the 5 points in relation to the human body, a picture of church. और हमने बात करेंगे मानवीय शरीर या देह के विषय में जो कि एक दृश्य है कलीसिया का. Now the first thing I want to consider is some who are less gifted feel they are unimportant to the body of Christ. और कुछ जो कम तोहफे या वरदान पाए हुए हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो कलीसिया के लिए कम उपयोगी या महत्वपूर्ण है. So to refresh our memory, और हमारी याददाश्त को ताजा करने के लिए, let us read verses 14 to 20. आइए हम 14 वचन से लेकर के 20वें वचन तक पढ़ें. 1 Corinthians chapter 12 verses 14 to 20. पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 14वें वचन से लेकर 20वें वचन तक. And as Pastor Mahendra reads, follow in your own Bible the reading of God's word. और जैसे मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, कृपया कर इस वचन के पढ़े जाने को आप अपने बाइबलों में देखिए. इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं. यदि पाँव कहे में हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे में आँख का नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है. यदि वे सब के सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती?
परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है. आमीन. आमीन. May the Holy Spirit illuminate us and enlighten us what it says. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे मनों को प्रकाशित करे और हमें दिखाए कि ये वचन क्या कहता है. Because some believers in the Corinthian church were experiencing what many go through. क्योंकि कई सारे विश्वासी कुरिन्थ की कलीसिया में एक ऐसी बात को महसूस कर रहे थे या होकर के निकल रहे थे जिससे कई सारे लोग आज भी होकर के निकलते हैं. What is that experience? और वो अनुभव क्या है? A sense of less gifted. एक ऐसा महसूस या स्वभाव रखना कि मैं कलीसिया के लिए कम महत्वपूर्ण हूँ. और insignificant. या मेरा कोई महत्व नहीं है. Or less able. या मैं कम योग्य हूँ. और unimportant. या मेरा कोई महत्व है ही नहीं. Or less capable. या मैं कम रीति से काम में आ सकता हूँ. That means inadequate. जिसका मतलब है अयोग्य. Or less worthy. या मैं अयोग्य या कम योग्य हूँ. That is ungifted. जिसका मतलब है कि मेरे पास कोई वरदान नहीं. What every true believer must realize is this. हर एक बात, एक ऐसी बात जिसको हर एक सच्चे विश्वासी को समझना है वो ये है. Such feelings and thoughts are not true. ऐसी भावनाएं और ऐसे विचार सच नहीं हैं. The body is not made up of one significant part, but of many parts or many members. याद रखिए, देह एक महत्वपूर्ण अंग के द्वारा नहीं बनती, लेकिन कई प्रकार के अंग जब एक साथ देह में हैं, जो देह को बनाते हैं. Every true believer who truly belongs to Christ actually belongs to His body, the church. और हर एक सच्चा विश्वासी जो कलीसिया का है, वो प्रभु यीशु मसीह की देह का भी है. And is significant and important to the body of Christ. And has a gift and a function in the body. और वो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की देह में महत्व रखता है, उसकी वो बहुत योग्य है और उसका एक काम है जिसके लिए उसको उस देह में कलीसिया में रखा गया. Not a single part in the body is without a function. और इसलिए ऐसा कोई भी अंग देह में है ही नहीं जो बिना किसी कार्य के है. And if that function, that particular member's function is lacking, then the body's effectiveness will be reduced. और मान लीजिए यदि वो अंग सही रीति से काम ना करे तो देह का काम करना या प्रयत्नशील होना नामुमकिन हो जाएगा. And my friends, in this regard, there are four points we need to consider. और मेरे प्रियो, इस बात को लेकर चार ऐसी बातें हैं जो हमें जानना और समझना जरूरी है. Number one, पहली बात, each member and each part is necessary. और हर एक सदस्य या हर एक अंग जरूरी है. The foot may not be as gifted as the hand. हो सकता है पांव वैसा योग्य ना हो जैसा एक हाथ है. In handling things. जैसे एक हाथ से आप चीजों को संभालते और उठाते हैं. But it is still a part of the body, the entire body. फिर भी ये पांव उस पूरी शरीर या देह का एक भाग है. The ear may not be able to envision things as the eye can. और कान हो सकता है आंखों के समान बातों और दृश्यों को देख नहीं सकते. But the ear is still part of the body. लेकिन कान फिर भी देह के सदस्य है या अंग है. This is important to remember. इस बात को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है. My function may not be the functions of others. हो सकता है मेरा काम या मेरा कार्य दूसरों के कार्य के समान नहीं है. My function may not be even visible. हो सकता है मेरा काम या कार्य अदृश्य है और दिखता भी नहीं. But nevertheless, लेकिन फिर भी, it is my presence that makes the body perfect. ये तो मेरी उपस्थिति है जो देह को सिद्ध ठहराती है. Not only perfect but effective. ना केवल सिद्ध लेकिन प्रयत्नशील कार्यशील ठहराती. In this you must rejoice and I must rejoice. और इस बात में आपको और मुझे आनंदित हो जाना है. And the second thing is, और जो दूसरी बात है, each part or member
as an essential function. हर एक भाग या हर एक सदस्य या हर एक अंग का एक महत्वपूर्ण काम है. The eye, और जो आँख है, the ear, चाहे कान हो, the nose, नाक हो, and each of these member has a particular function which only that member can do. इनमें से हर एक अंग का एक काम है, एक कार्य है जो वही कर सकते हैं. So none can do the function of the other. इनमें से कोई भी दूसरे का काम नहीं कर सकता. If the whole body is only one eye, और मान लीजिए अगर पूरा शरीर एक आँख हो, it would be a freak. तब तो ये देखने में बिल्कुल भयानक होगी. would be like a beast kind of thing. और मान लीजिए ये तो एक असुर या एक राक्षस के समान होगा. In operative, it will be unfunctional. और काम करने में वो अकार्यपूर्ण या काम बिल्कुल ना कर पाएगी. Or in other words, useless. दूसरे शब्दों में अर्थहीन या अयोग्य ठहर जाएगी. Are you getting the point? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? So stop looking down on yourself. और इसलिए अपने आप को नीचा आंकना बंद कर दें. You may be a small member, हो सकते हैं आप एक छोटा सा सदस्य हैं, and your function may not be visible, हो सकता है जो काम आप कलीसिया में करते हैं वो दूसरे देख भी ना पाए, and yet it is your place and your function that makes the body's function perfect and effective. लेकिन फिर भी ये आपका देह के संग जुड़ा रहना और आपका वो काम को करते रहना ही है जो देह को सिद्ध और प्रयत्नशील, कामशील, कार्यशील बनाता है. The church, which is the body of Christ, ये कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, can operate only if enough members function as they are gifted. तभी काम कर सकती है जब सारे शरीर के सदस्य सही रीति से काम करें. Again, the church as the body becomes handicapped if some members do not function. और इसी रीति से यदि कलीसिया भी लकवाग्रस्त हो जाती है जब कुछ कलीसिया के सदस्य काम नहीं करते. They are the people whom we called handicapped or physically challenged people. और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हम लकवाग्रस्त या शारीरिक रूप से जो सीमित है उन्हें, ऐसे लोगों को हम कहते हैं. The efficiency and effectiveness of the body depends on the number of its parts or members which can function. और एक देह का सही रीति या सुचारू रूप से काम करना और कैसे वो देह सही रीति और सिद्ध रूप से चलता या काम करता है वो निर्भर होता है उसके अंग या सदस्यों के ऊपर. So your presence, और इसलिए आपकी उपस्थिति, and your function, और आपका काम is important to the functioning of the entire body. आपके पूरी देह के काम करने के लिए महत्वपूर्ण है. So the third thing to consider, और से तीसरी बात जो हमें देखनी है, each member is set in the body as God wills. ये हर एक सदस्य को देह में ठहराया गया है जैसे परमेश्वर चाहता है. The eye sees, और आंखें देखती है, because God gave it the ability to see. क्योंकि परमेश्वर ने वो योग्यता दी है कि वो देखे. The ear hear, और वो ये कान सुनते हैं, because God gave it the ability to hear, क्योंकि परमेश्वर ने वो योग्यता दी कि कान सुनने पाए. The same is true in the church, और इसी बात को सच है एक कलीसियाई रूप से. God has set every one of us, not just the important ones. और परमेश्वर ने हम में से हर एक को ठहराया हुआ है, ना कि सिर्फ जो जरूरी हैं या महत्वपूर्ण है उनको. He has gifted us, उसने हमें वरदान for an important function, एक महत्वपूर्ण काम के लिए. What we are called and gifted for is God's will. और जिस काम के लिए या जिस कार्य के लिए हमें बुलाया गया है वो है परमेश्वर की इच्छा. We have musicians, हमारे पास यंत्र बजाने वाले and लोग हैं, singers, गीत गाने वाले लोग and हैं, even among the musicians there are all kinds of instruments, और कि यंत्र बजाने वालों में भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्र हैं. Some instruments may be considered as greater than the some other
और हो सकता है कुछ इन वाद्य यंत्रों को कुछ दूसरे वाद्य यंत्रों से ऊंचा समझा जाए. And then there are teachers. उसके बाद शिक्षक हैं. And then we have pastors. उसके बाद पाजवान मौजूद हैं. Now which one is more important than the other? और इसमें से कौन सा दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? And when we see the body as one unit. जब हम देह को एक अंग के रूप में देखते हैं, एक यूनिट या एक संपूर्ण देह के रूप में देखते हैं, तब ही एक सिद्धता आता है. For example, उदाहरण के तौर पर, you know, we think musicians are important. हमें लगता है जो गीत गाते या बजाते हैं वो जरूरी है. Worship leaders are important. और आराधना कराने अगुवाई करने वाले महत्वपूर्ण हैं. And teachers are important. शिक्षक महत्वपूर्ण हैं. And pastors are of course very important. और पासवान तो सच में बहुत महत्वपूर्ण हैं. But do you have another group of people in your church called ushers? आपके कलीसियाओं में एक दूसरे लोगों का समूह है जिनको आप दान लेने के लिए खड़ा करते हैं. Are they part of the body, the entire church? क्या वो भी कलीसिया की देह का एक भाग हैं? You think they are not very important? क्या आपको लगता है वो जरूरी नहीं? In fact, लेकिन ये मैं they are some of the most important people for as far as the functioning is concerned. वो तो सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से हैं जहाँ तक कलीसिया को सुचारू रूप से चलना है. What do us ushers do? और ये भेंट लेने वाले क्या करते हैं? Some stand at the gate and at the door, entrance door, and welcome people. कुछ उनमें से कुछ लोग भवन के कलीसियाई भवन के द्वार पर खड़े होकर लोगों का स्वागत करते हैं. You know, 80% of the people attending your church. 80% लोग जो आपकी कलीसिया से जुड़े हैं और उसका भाग बने हैं. Attend your church because of the ushers standing at the entrance. वो इसलिए वहाँ आते हैं क्योंकि वो लोग दरवाजे पे खड़े होकर बड़े अच्छे से उनका स्वागत कलीसिया भवन में करते हैं. And these ushers also must realize it. और इन लोगों को भी जो उस द्वार पर खड़े होते हैं इस बात को समझना है. Because if you stand there with an unsmiling or like a hard person, क्योंकि अगर आप क्रोध में होकर या बड़े कठोर व्यक्ति के समान उस द्वार पर खड़े होंगे, nobody will be attracted. तब कोई भी आकर्षित नहीं होगा. But at the same time, लेकिन उसी समय, they are so friendly. वो बड़े ही मित्रपूर्ण लोग होते हैं. They welcome people with a great smile. वो लोगों को एक अच्छी मुस्कान के संग स्वागत करते हैं. And say it is so nice to have you. और ये आपका यहाँ आना हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य और अच्छी बात है. And then show them the place to sit. और उन्हें उस स्थान को दिखाते हैं जहाँ उन्हें बैठना है. And that smile. और वो मुस्कान. Those beautiful words. और वो सुंदर शब्द. And the way you look at that person and treat that person. और जिस तरीके से आप उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उसका व्यवहार करते हैं. He or she will go back realizing that I am wanted. और वो व्यक्ति इस बात को समझते हुए महसूस करते हुए कलीसिया से वापस जाएगा कि मैं इस कलीसिया में मेरी जरूरत है. She will definitely come next Sunday. और वो व्यक्ति दोबारा अगले रविवार भी आएगा. And she will keep on coming. और वो लगातार आता रहेगा. Until they become part of the church. जब तक वो कलीसिया रूप से उस कलीसिया का भाग ना बन जाए. And I want you to know how important that is. और मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है. Then there are other invisible laborers. और उसके बाद एक अदृश्य काम करने वाले लोग हैं. People who see that the compound and the building, everything is kept clean and neat. ऐसे लोग जो देखते हैं कि कलीसियाई भवन और उसके इर्द-गिर्द की जो जगह है वो साफ रहे, सुचारू रूप से, अच्छी रीति से वो रहे. Then there are ushers who takes offering. और तब उसके बाद ऐसे लोग हैं जो भेंटे लेते हैं. God has gifted them with that smile and with that pleasant face. It's because they have a function, an important function to accomplish. परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छी मुस्कान, एक अच्छा चरित्र, वैसा स्वभाव दिया है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उनका कलीसिया में एक महत्वपूर्ण काम है. The sound man. और जो लोग मीडिया संभालते हैं. The camera man. या जो कैमरे को संभालते हैं. Now who, tell me who is not needed or important. अब मुझे बताइए इनमें से कौन से की जरूरत हमें, किस व्यक्ति की जरूरत नहीं है या कौन आवश्यक नहीं है. We all are members of the body of Jesus Christ. लेकिन वो सभी प्रभु यीशु मसीह की देह के एक अंग हैं.
And so it is according to God's will that he places the members. और ये तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही है कि वो सदस्यों को या एक देह में अंगों को उस स्थान पर ठहराता है. Every member has been set in the church by God and gifted by God. हर एक सदस्य को परमेश्वर ने एक कलीसिया में रखा है एक उद्देश्य के साथ और परमेश्वर ने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे वरदान भी दिए हैं. God has set every one of us, not just the important ones. याद रखिए परमेश्वर ने हम सब को ठहरा रखा है ना कि सिर्फ वे जो महत्वपूर्ण हैं. He has gifted us for an important function. और उसने हमें भी वरदान दिया है कि हम अपने महत्वपूर्ण काम को कलीसिया में करने पाएं. What we are called and gifted for is God's will. और जिसके लिए हम बुलाए गए हैं और जिसके लिए हमें काम करना है वो है परमेश्वर की इच्छा. Never forget this. इस बात को कभी ना भूलें. So stop looking down on yourself. और इसलिए अपने आप को नीचा आंकना बंद कर दीजिए. On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर praise God and be proud of the fact that God alone has placed you where you are and gifted you to do what. आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको उस स्थान पर रखा है वो वरदान और तोहफा दिया है उस काम को करने के लिए जहां पर आप हैं. So the fourth thing is, जो चौथी बात है, each member is distinct from others, but together there is only one body. हर एक अंग या हर एक सदस्य कुछ एक से अलग है लेकिन एक साथ मिलकर वो एक ही देह है. If only one member is existed, मान लीजिए सिर्फ एक ही सदस्य अगर हो, where would be the body? तब वो देह कहाँ होगी? That's the question. और यही सवाल है. Of course, there would be no body. So with the church. और तब तो कोई देह होगी ही नहीं. और इसी बात को हम कलीसिया के लिए भी कह सकते हैं. If only one member existed, मान लीजिए सिर्फ एक ही सदस्य हो, in the church. कलीसिया में, that church would be the most important person around. तब उस कलीसिया में वही व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होगा. Because he is the only one there. क्योंकि वही एकमात्र है जो कलीसिया में मौजूद है. God has not made his body in that way. लेकिन परमेश्वर ने अपनी देह को इस रीति से नहीं बनाया. Then as where would be the church? तब कलीसिया कहाँ होगी? If there only one person is there. अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही व्यक्ति हो. Now the point is clear. तब ये बात साफ है. The church is not one significant member or person. कि कलीसिया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या एक महत्वपूर्ण वरदान के विषय में नहीं. The church is many members. लेकिन कलीसिया तो कई सारे सदस्य एक साथ. All significant and important. जो कि सब जरूरी हैं और महत्वपूर्ण हैं. Yet the church is one body. अगर कलीसिया एक देह है. So no member is to look down on some other members. और इसलिए किसी भी सदस्य को किसी दूसरे सदस्य को नीचा नहीं आना. Where he is not so important. अरे क्यों वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है? Very much important, as the most important person. वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कलीसिया में है. So let's look into Romans chapter 12. और रोमियो की पत्री उसका 12वें अध्याय को हम देखेंगे. Verses 6, 7, and 8. और छठा सातवां और आठवां वचन. जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम अनुसार भविष्यवाणी करे. यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे. यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे. जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे. दान देना वाला उदारता से दे और जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे. जो दया करे वह हर्ष से करे. So, let us praise God for the way he has created a body for his son Jesus Christ. और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि कैसे उसने अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र में ठहराया. You can pride in this point that you make the body of Christ complete.
और आप इस बात में घमंड कर सकते हैं कि आप हैं जो प्रभु यीशु मसीह की देह को पूरा करते हैं। And some who are more gifted, मान लीजिए कुछ और जो ज्यादा तोहफा पाए हुए हैं, they may feel they are more important. हो सकता है उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। They are more important to the body. और वो देह के लिए महत्वपूर्ण हो। This point is a sharp rebuke to those who feel and try to dominate and impose their will upon the church. और ये बात ऐसे लोगों के लिए कठोर डांट है जो ऐसी अपनी बात को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा को, अपनी बातों को कलीसिया के ऊपर थोपते हैं। One person's will or desires, एक व्यक्ति की इच्छा या उसकी उसके विचार, are never to be pushed forward, उन्हें कभी भी आगे हमें नहीं धकेलना, and forced upon the church, और लोगों के कलीसिया के ऊपर दबाव के संग नहीं रखना है। And if you try to do it, और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करें, you are slowly trying to create a division, तब हम धीरे धीरे एक विभाजन को कलीसिया में लाते हैं। But every member is important and be considered. लेकिन हर एक सदस्य जरूरी और महत्वपूर्ण है। When you ask an opinion, you ask every member of the body. जब आप एक एक मत को चाहते हैं तो आप कलीसिया के हर एक व्यक्ति से उस बात को पूछते हैं। Now the church throughout the history had this problem. लेकिन कलीसिया के संग इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें तो हमेशा से समस्या रही है। Some people always feel that they are more important than the others. कुछ लोगों को हमेशा से ऐसा लगता है कि वो दूसरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। And yet they all belong to the same body. लेकिन वो फिर भी वो सब एक ही देह के, the same church, एक ही कलीसिया के। They feel their gift and contributions are more important. उनको ऐसा लगता है उनके तोहफे और वरदान दूसरों से कहीं more significant और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण than that of others. दूसरों से। It's a wrong thinking. और ये एक गलत सोच है। What helps you? और किस बात ने आपकी सहायता करी? To remain in that same body? कि उसी देह में आप बने रहें? Is the presence of the person whom you are insulting. ये उसी व्यक्ति का, वो वही व्यक्ति है जिसकी बेइज्जती या उल्लेखना आप करते हैं। Such feelings are totally inaccurate. और ऐसी भावनाएं बहुत ही गलत हैं। Even the lowest and the least gifted person who uses his gift is an important to the body as the more gifted one. एक यहाँ तक कि कलीसिया में सबसे नीचे दिखने वाला, सबसे कम महत्वपूर्ण वा दिखने वाला व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद है। The eye cannot say, I am not the ear, so therefore I don't. और एक आँख कान से नहीं कह सकती कि मैं कान नहीं हूँ, इसलिए मैं आँख होना बंद कर दूंगी। I cannot say that. और ये मैं भी नहीं कह सकता। The weak parts are more necessary. जो कमजोर भाग हैं या सदस्य हैं, उनकी और ज्यादा आवश्यकता है। A saint who is a prayer warrior. और एक ऐसा संत जो प्रार्थनाओं में लड़ता है, is more important to the strength of the church. वो बहुत ज्यादा जरूरी है कलीसिया की मजबूती के लिए। Than the most eloquent preacher. यहाँ की सबसे अच्छा प्रचार करने वाले वक्ता से भी। And then we also must remember, और इसके बाद हमें ये भी याद रखना है, the unpresented parts of the body are treated with greater honor. कि एक शरीर, एक देह के ऐसे अंग जिनको दिखाया नहीं जाता, उनको और ज्यादा आदर के संग, और ज्यादा सम्मान के संग उसको रखा जाता है। They are more honored and protected and respected by the dress we wear. वो और उनको और ज्यादा आदर, सम्मान और उनकी रक्षा की जाती है उन कपड़ों के द्वारा जिन्हें हम पहनते हैं। So it should be in the church. और ऐसा ही कलीसिया में भी होना चाहिए। The less gifted member should be recognized and treated with greater honor. ऐसे व्यक्ति जो कमजोर हैं या कम तोड़े पाए हुए, उनको और ज्यादा आदर और सम्मान दिया जाना चाहिए। Because they are more necessary. क्योंकि वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। And my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, I hope the Holy Spirit has opened your eyes to see. मेरी, मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपकी आंखों को खोला है कि आप देखने पाएं। How to treat
the rest of the members in the body. कि कैसे हम कलीसिया में दूसरे सदस्यों के संग व्यवहार करें. The Bible also says. और बाइबल ये भी बताती है. Honor is to be given to those who honor is due. कि हमें उन्हें आदर देना है जो आदर के योग्य हैं. And so in the church, और इसलिए कलीसिया में, who is there who is not worthy of any kind of honor? ऐसा कौन है जिसे कुछ कुछ भी आदर के योग्य वो नहीं है? There should not be. ऐसा कोई भी नहीं है. And so I pray that the Holy Spirit will minister to each one who is listening to this. और इसलिए मेरी प्रार्थना यही है कि पवित्र आत्मा हर एक के बीच सेवा को करे जो इस अध्ययन में भाग लिए हैं. That you are important as much as others are important. कि आप महत्वपूर्ण हैं जितने और दूसरे महत्वपूर्ण हैं. So let me close this study with just a few Bible verses. कुछ वचनों को बताकर मैं इस बाइबल अध्ययन को समाप्त करूंगा. Luke 22:26. और लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 26 और 26वां वचन इस प्रकार कहता है, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने. Yeah, what Jesus is saying there. और यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है? You know it. Think about it. इस विषय में आप जानते हैं, इसके विषय में सोचिए. The Romans chapter 12 verse 3. और रोमियों की पत्री 12वां अध्याय 3रा वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसा ही शुद्ध बुद्धि के साथ अपने आप को समझे. Think about it. इस विषय में सोचिए. And then 1 Corinthians chapter 1. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय. Verses 27-29. 27वें से लेकर 29वें वचन तक. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए. So read these passages. इन वचनों को पढ़िए. One more verse. एक और वचन. 1 Corinthians 4:7. 4वां अध्याय पहला कुरिन्थियों का 7वां वचन, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया. आमेन. आमेन. रीड अगेन इन योर प्राइवेट टाइम. और जब व्यक्तिगत रूप से आप प्रार्थना और वचन को मनादी करने के लिए बैठे तो इन वचनों को दोबारा जरूर पढ़िए. एंड थिंक अबाउट इट. और इन वचनों के विषय में सोचिए. एंड दैट इज द वे यू मस्ट ट्रीट others, and when you treat others in this way, और इसी रीति से आपको दूसरों के संग व्यवहार करना है, और जब इस रीति से आप दूसरों के संग व्यवहार करेंगे, you will be treated, आपके संग भी ऐसा ही व्यवहार the same manner, इसी रीति से किया जाएगा. So let us honor everyone, और इसलिए हम हर एक का आदर करें. And when we do that, we are honoring God. और जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं. We are exalting our God who placed all of us in the same. हम अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं जो उसने हम सबको एक ही देह में ठहराया. And may the Holy Spirit help us. होने दे पवित्र आत्मा हम सबका सहायता. Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा. We thank you for teaching us. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन आपने हमें सिखाया. We have learned a very important lesson. हम आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को सीखा है. And may we truly take this lesson to our hearts. होने दे हम इस शिक्षा को सत्य रूप से अपने जीवनों में लें. And let today's lessons be a guide to us as we treat others. होने दे आज की शिक्षा हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करे जैसे हम दूसरों को सिखाते. And thus you will be glorified and exalted. ताकि जिसके द्वारा तू महिमा पाए और तेरा नाम ऊंचा उठा दिया जाए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Well, dear friends, good night and God's blessing be upon you. मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को परमेश्वर के नाम में अभिवादन और शुभ रात्रि, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Remember the word of the Lord. परमेश्वर के वचन को याद रखिए. Amen. Amen.